हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं रेनू माथुर माथुर क्लासेस से आपके लिए लाई हूँ एमसीक्यूज क्वेश्चन। 20 क्वेश्चंस है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के पिछली वीडियो में भी अपन ने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चंस किए थे, आज भी अपन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर पूरी चैप्टर पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर की लिंक दी हुई है, आप उसको देखिए और फिर आराम से सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि अपने एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं और जो मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू अभी अपलोड कर रही हूँ इन दिनों में, आपके 90% इन्हीं में से ही आएगा। आप पूरी वीडियो को देखिए और आराम से इनको याद कर सकते हैं। और अभी आप मेरे चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बेल पर क्लिक करें ताकि सारी वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके पास आए। व्हाट्सएप की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ग्रुप में। उसको आप सेकंड ईयर के हैं तो सेकंड ईयर का ज्वाइन करें, फर्स्ट ईयर का है तो फर्स्ट ईयर का ग्रुप अलग है, उसको ज्वाइन करें। और जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन लिया है, वो अगर स्टूडेंट है तो न्यू ग्रुप को ज्वाइन करें। और वीडियो को पूरी देख के लाइक कर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि भाई आपको मैंने वीडियो बना के दी है तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन की जो ड्राइंग है वो इंस्टाग्राम पे है, आप पेज को फॉलो करके आराम से ड्राइंग के इमेजेस देख सकते हैं। और फर्स्ट ईयर है जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, वो फेसबुक पे उसकी वीडियो है, माथुर्स क्लासेस के नाम से ही फेसबुक पे पेज को लाइक करके आप उन वीडियो को भी आप आराम से देख सकते हैं। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंगल फेज मोटर कितने प्रकार की होती है, पूरा बताया था, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और जानकर ये आपको खुशी भी होगी कि मेरी वीडियोज गवर्नमेंट की साइट भारत स्किल पर भी है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। भारत स्किल साइट खोलेंगे, उसमें इलेक्ट्रिशियन खोलेंगे, फिर स्टडी मटेरियल में जाएंगे। स्टडी मटेरियल में जाने के बाद आपको नीचे की साइड में वीडियो शो करेगी, तो सबसे नीचे की साइड में जो वीडियोज है वो माथुर क्लासेज की है, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की वीडियोज है। तो आप सभी का इतना सहयोग है कि अपन भारत स्किल तक भी पहुंच गए हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो YouTube पे बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन ITI की वीडियोज है, पर अपनी माथुर्स क्लासेस की जो वीडियो है वो एक तो निमी पैटर्न पर है चल रही है वीडियोज, दूसरी बात कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि भाई जो अपन का गवर्नमेंट NSQF 5 का जो सिलेबस है उस अकॉर्डिंग अपनी वीडियोज चल रही है, तो उसके अपने को सभी को बहुत बेनिफिट हो रहा है इससे, तो आप भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरेसिस मोटर उपयुक्त क्यों है, मतलब कि ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरण यानी कि साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरण यानी साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए हिस्टेरेसिस मोटर ही क्यों यूज में लेते हैं। भाई जो अपन साउंड रिकॉर्डिंग होती है, कोई भी अपन रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें साउंड वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं अपन क्या हिस्टेरेसिस मोटर का यूज लेते हैं। अब देखो इसका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ना साउंड रिकॉर्डिंग करने के लिए कौन सी मोटर का यूज करते हैं, तो साउंड रिकॉर्ड करने के लिए अपन जो मोटर होती है, उपकरण होता है, वो जो हिस्टेरेसिस मोटर का यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है कि ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरेसिस मोटर ही क्यों उपयुक्त है, कि भाई जो साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर अपन हिस्टेरेसिस मोटर का यूज करते हैं, तो ये क्यों यूज करते हैं, हिस्टेरेसिस मोटर ही क्यों यूज करते हैं, दूसरी मोटर अपन क्यों नहीं यूज करते हैं। तो चार ऑप्शन दिए हैं, देखो कौन सा राइट होता है। पहला है आकार में छोटा, दूसरा है उच्च दक्षता, तीसरा है शांत प्रचालन, या चौथा है कम त्रुटि प्रचालन। कि भाई क्या है शांत प्रचालन, एकदम शांति से
आराम से चलती है, इसकी कोई आवाज़ नहीं होती है और शांति से धीरे धीरे ये चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडेड पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? अब सेडेड पोल जो मोटर होती है उसको अपन कहाँ पे यूज़ लेते हैं, तो इसका अनुप्रयोग क्या है? तो ये अपन चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से अपन देखते हैं कि कौन सा है। आप लाइव चैट वीडियो चल रही है, आप भी इसका तुरंत जवाब देते रहे साथ साथ, तो अपन को मज़ा आएगा। देखो आप आंसर तो बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं, परंतु साथ में क्वेश्चन मार्क भी लगाइए कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट का सी, तो आप यूं लिखिए। आप क्या फटाफट वीडियो के साथ सी ए बी ये लगाते रहते हैं? अब मुझे नहीं पता चलता है कि आप कौन सी क्वेश्चन का कौन सा उत्तर दे रहे हो, क्योंकि कोई वीडियो जैसे स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने के बाद कोई भी स्टूडेंट 3 मिनट बाद स्टार्ट करता है, 2 मिनट बाद स्टार्ट करता है, तो एक क्वेश्चन निकल जाता है, तो अपन क्या होते हैं आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपका यही कहना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन के उत्तर आप लाइव चैट वीडियो में दे रहे हो तो उसका क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो, ताकि मुझे पता चले कि आप उसका जवाब सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। और आप वैसे भी बहुत लाइव चैट वीडियो में जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, करीब करीब बहुत होशियार स्टूडेंट होते हैं जो फटाफट इसका जवाब देते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप आगे भी सारे इन वीडियोज के जवाब अच्छे से देते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो अभी लाइव चैट वीडियो में शामिल नहीं हुए हैं वो एक बार शामिल होए, देखें कि आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, सेडेड पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? कि भाई जो सेडेड पोल मोटर है इसका यूज कहाँ पे होता है? पहला है हेयर ड्रायर में, दूसरा है सीलिंग फैन में, तीसरा है वेट ग्राइंडर में, या चौथा है वॉशिंग मशीन में। तो सेडेड पोल मोटर का हमेशा यूज होता है हेयर ड्रायर में। कहाँ पे यूज होता है? हेयर ड्रायर में। जो अब आपके क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि भाई हेयर ड्रायर में कौन सी मोटर का यूज होता है, तो कौन सी होती? सेडेड पोल मोटर का जो यूज होता है वो किस में होता है? हेयर ड्रायर में इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? कि भाई हार्ड डिस्क ड्राइव है उसमें अपन कौन सी मोटर का यूज करते हैं, तो कौन सी होती है? स्टेपर मोटर, रिपल्सन मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर या रिलक्टेंस मोटर? जल्दी से आप जवाब दो लाइव चैट में। हाँ एकदम सही, स्टेपर मोटर इसका यूज। देखो कई कई स्टूडेंट तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा समझ रहे हैं, लाइव चैट वीडियो को ज्वाइन करते हैं और फटाफट आंसर देते हैं। तो आप भी सभी स्टूडेंट ज्वाइन करो तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, और पूरी वीडियो को अच्छे से देख के लाइक कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है? क्या है क्वेश्चन अपना? कि भाई किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है? किसका होता है? यूनिवर्सल मोटर का, रिलक्टेंस मोटर का, रिपल्सन मोटर का, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का? तो किसका होता है? यूनिवर्सल मोटर का जो होता है स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा, कैपेसिटर को सिंगल फेज स्थायी कैपेसिटर मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? कि भाई जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर है सिंगल फेज में, उसमें कैपेसिटर को अपन कहाँ पे लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगाते हैं या रनिंग वाइंडिंग में लगाते हैं? अब अपन को पता चल गया कि भाई सीरीज में लगाते हैं कैपेसिटर को मोटर के। अब मोटर के सीरीज में तो लगाते हैं, परंतु अब सिंगल फेज मोटर है तो उसमें दो वाइंडिंग है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक रनिंग वाइंडिंग, तो अपन को सीरीज पता चल गया भाई सीरीज में लगाते हैं, परंतु सीरीज में स्टार्टिंग वाइंडिंग के लगाते हैं या रनिंग वाइंडिंग के? देखो चार एमसीक्यू ऑप्शंस दिए हुए, अपन देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। पहला है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, दूसरा है रनिंग वाइंडिंग के सीरीज में, तीसरा है स्टार्टिंग वाइंडिंग के पैरेलल में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किसमें अपन लगाते हैं? हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में है जो कैपेसिटर अपन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग? देखो सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन में अपन
यूज लेते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर, परंतु अब ये क्वेश्चन में आ गया टेबल पंखे में किस मोटर का यूज लेते हैं। तो देखते हैं चार ऑप्शन कौन सा है, यूनिवर्सल मोटर, दूसरा है सेडेड पोल मोटर, तीसरा है भंवर धारा मोटर या चौथा है स्थायी कैपेसिटर मोटर। तो टेबल पंखा हो चाहे सीलिंग फैन हो, दोनों में अपन परमानेंट कैपेसिटर मोटर का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां कि भाई मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्रीय स्विच को डिसकनेक्ट नहीं किया जाता तो क्या प्रभाव पड़ता है। कि भाई मोटर स्टार्ट हो जाती है तो अपन सेंट्रिफ्यूगल स्विच को अपन डिसकनेक्ट नहीं करेंगे तो अपना क्या प्रभाव पड़ेगा। चार ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं कौन सा है। क्या है, मोटर सामान्य रूप से चलेगी, या मोटर तुरंत बंद हो जाएगी, या स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी, या मोटर धीमी गति से चलेगी। तो क्या होता है कि अगर अपन सेंट्रिफ्यूगल स्विच को डिसकनेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है वो जल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 2017 का क्वेश्चन है, एक चार पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर 1470 आरपीएम पर चल रही है तो इसका स्लिप का मान क्या होगा। देखो स्लिप का मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो बनाई थी तब भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि स्लिप का मान, अंश स्लिप का मान होता है क्या होता है, स्लिप का मान क्या होता है, स्लिप की परसेंटेज क्या होती है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब इसके आधार पर ये न्यूमेरिकल दे दिया है। क्वेश्चन है कि चार पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 1470 आरपीएम पर चल रही है तो इसका स्लिप का मान ज्ञात करो। अब अपने पास फॉर्मूला होता है एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी, ठीक है फॉर्मूला यह है। अब 120 इंटू एफ कितना दे दिया 50, बी पी कितना दे दिया है 4, तो 120 इंटू 50 बट्टा 4 करेंगे तो कितना आएगा, करो फटाफट। देखो कैलकुलेटर ले लेते हैं अपन, 120 इंटू 50 इजिकल टू 6000 बट्टा 4 तो आ गया 1500, कितना आ गया 1500 आरपीएम। तो यहाँ कितना आ गया 1500 आरपीएम एन एस आ गया। अब अपने पास फॉर्मूला है स्लिप निकालने का, एन एस माइनस एन आर बट्टा एन एस। अब एन एस दे दिया 1500 माइनस एन आर कितना दे दिया 1470 बट्टा 1500। अब 1500 में से 1470 भाग दे के 1500 का भाग दे देते हैं, 1500 में से 1470 निकालते हैं, 1500 माइनस 1470 निकाल दिया, 30 आया बट्टा भाग करा 1500 का, कितना आ गया 0.02। तो ये स्लिप का मान कितना आ गया, एस बराबर 0.02। अब इसमें ऑप्शन में 0.02 कहाँ पे है, सी ए 0.02, तो ये इसका आंसर हो गया। स्लिप की कोई यूनिट नहीं होती है इसलिए अपन ने यूनिट नहीं लिखी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर में आमतौर पर एक पावर का कारक होगा। अब ये 2016 में आया हुआ, 2017 में आया, 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया, तीन बार ये आ गया है। तो इसका क्या है, ऑप्शन में यूनिटी 0.8 0.6 लेगिंग या 0.6 लीडिंग, तो क्या होगा इसका आंसर 0.6 लेगिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां, स्टैंड पर अभी भी स्लिप का मान है, स्टड होता है, स्टड पर स्लिप का मान कितना होता है, हमेशा कितना होता है, एक होता है, जीरो है, एक है, परिमित मान है या अनंत है, तो इसका स्टड पर हमेशा स्लिप का मान एक होता है। अब ग्यारहवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्धति में से कौन सी एक सिंगल फेज मोटर शुरू करने की सबसे किफायती पद्धति है। ये देखो 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला है प्रतिरोध प्रारंभ विधि, संधारित्र प्रारंभ पद्धति, विभाजन चरण पद्धति या अधिष्ठापन प्रारंभ पद्धति। तो संधारित्र प्रारंभ पद्धति ये है। तो अपने 11 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि क्या है कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास
आए और लाइव चैट वीडियो में आप कंटिन्यू ज्वाइन करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पूरी वीडियो को जरूर देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, घर के रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में प्रयुक्त मोटर क्या है? देखो, कंप्रेसर के अंदर कौन सी मोटर यूज़ में लेते हैं, ये 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन सी होती है? डीसी सीरीज मोटर होती है, सेडेड पोल मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है, या सिंगल फेज मोटर होती है। घर के फ्रिज में जो कंप्रेसर होता है उसके अंदर अपन सिंगल फेज मोटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम क्लीनर के लिए आप किस प्रकार मोटर को चुनेंगे? वैक्यूम क्लीनर है उसके लिए अपन को मोटर कौन सी यूज लेनी पड़ेगी? ये 2016 में भी आया हुआ और 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ। देखो, सबके क्वेश्चन के सन लिखे हुए हैं, कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था, तो अपन वो भी कर रहे हैं साथ साथ में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी साथ साथ कर रहे हैं। तो आप पूरी वीडियो को देखो, आपको इस पूरी वीडियो को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डाल रही हूँ उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा अगर आप लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम क्लीनर के लिए आप किस मोटर का चूज करेंगे? वैक्यूम क्लीनर में अपन कौन सी मोटर का यूज करते हैं? यूनिवर्सल मोटर का करते हैं, रिपल्सन मोटर का करते हैं, हिस्टेरेसिस मोटर का करते हैं, या रिलक्टेंस मोटर का यूज करते हैं? वैक्यूम क्लीनर के अंदर हमेशा यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं और ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर में भी यूनिवर्सल मोटर का अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग होता है, ये 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेपर मोटर का जो यूज है अपन कहाँ पे करते हैं? कॉइल्स वाइंडिंग्स में, फिक्स मशीन में, लिफ्ट या होस्ट मशीन में, या कंप्रेसर में? स्टेपर मोटर का अपन यूज कहाँ पे करते हैं? तो कहाँ पे करते हैं? फैक्स मशीन जो होती है, कि देखो ऑफिसों में सब जगह फैक्स मशीन होती है, फटाफट फटाफट इधर से इंफॉर्मेशन इधर पहुंच गई, यहाँ का लेटर वहाँ पहुंच गया। पहले तो क्या डाक से जाता था, परंतु अब फैक्स मशीन आ गई तो फटाफट फटाफट इधर से उधर फैक्स हो जाता है। तो फैक्स मशीन के अंदर कौन सी मोटर होती है? स्टेपर मोटर यूज लेते हैं। देखो, अपन क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं, एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज अपलोड कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर की अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम अभी नहीं है, अभी अपन सेकेंड ईयर की ही तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए सेकेंड ईयर के ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज अपलोड कर रही हूँ। इन सब की PDF भी आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हो सकता है देरी हो जाए पर मिल जाएगी आपको PDF डिस्क्रिप्शन में। कई स्टूडेंट के आ रहे हैं कमेंट कि मैडम टेलीग्राम पे आप PDF दे दीजिए। टेलीग्राम, बेटा टेलीग्राम पे नहीं, व्हाट्स, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। हो सकता है एक दो दिन लेट हो जाए पर PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर की दिशा से उलट किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं? यूनिवर्सल की मोटर की जो डायरेक्शन अपन चेंज करते हैं तो क्या कर सकते हैं? 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? आपूर्ति टर्मिनलों के पीछे, या DC के लिए सिंगल फेज से बदलकर, या अंतर्विनय ब्रश सुराग करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतर्विनय ब्रश सुराग करके भी अपन इसकी ब्रश की दिशा उलट सकते हैं, मतलब इंटरचेंज करके भी इसकी दिशा अपन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का अनुप्रयोग है, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का कहाँ पे यूज लेते हैं? ये 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आज अपन अभी जो क्वेश्चन किए हैं 16, 17, 18 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, आप पूरी वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आता रहेगा। उससे पहले आपको क्या है, सिंगल फेज मोटर का जो चैप्टर है वो पढ़ोगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, वो पढ़ोगे उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो क्या है क्वेश्चन? रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का अनुप्रयोग है, रेफ्रिजरेटर में, हेयर ड्रायर में, बिजली की घड़ियों में, या कपड़े धोने की मशीन में? कहाँ पे यूज लेते हैं? कपड़े धोने की जो मशीन होती है यानी कि वाशिंग मशीन, उसके अंदर कौन से मोटर यूज लेते हैं? रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग यानी कि परमानेंट कैपेसिटर का मोटर का प्रयोग निम्न में से किस में प्रयोग किया जाता है। ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या परमानेंट कैपेसिटर मोटर का यूज कहाँ पे करते हैं? पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि भाई जो सीलिंग फैन होता है वो कैपेसिटर के बिना नहीं चलता है, तो उसके अंदर एक परमानेंट कैपेसिटर अपन लगा के रखते हैं, तो सीलिंग फैन का मोटर कौन सी हो गई? परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है? चार ऑप्शन दिए, उसमें से आपको बताना है। तो ये साफ पता है, छत के पंखे में परमानेंट कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। तो भी क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। कंप्रेसर में यूज करते हैं, ब्लोअर में, छत के पंखे में, या कपड़े धोने की मशीन में। तो किस में करते हैं? छत के पंखे में इसका परमानेंट कैपेसिटर मोटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग होता है, मतलब स्टेपर जो मोटर होती है उसका अपन यूज कहाँ पे करते हैं? कौन से 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है? पहला है कॉइल वाइंडिंग में, फैक्स मशीन में, लिप्स में, या कंप्रेसर में। तो कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे करते हैं जल्दी से बताइए। हाँ, फैक्स मशीन में स्टेपर मोटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है? 2018 में ये आया हुआ है। सिंगल फेज मोटर क्या होती है? सेल्फ स्टार्टिंग होती है, या एक निश्चित गति से प्रचालन करती है, या एक थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर से कम भरोसेमंद होती है, या इनमें से कोई नहीं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इन ये तीनों ही शर्तों पर नहीं होती है, तो इनमें कर दिया इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सिंगल फेज एसी मोटर को प्राय खाली जगह पर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। केवल 220 वोल्ट पर, केवल 220 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट पर, या 220 प्लस माइनस 0 वोल्ट पर, या 220 प्लस माइनस 10 वोल्ट पर। तो क्या होगा? 220 प्लस माइनस 10% वोल्ट पर। प्लस माइनस का मतलब कि ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये आज अपने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के 20 क्वेश्चन किए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की है, अगर आपको इन क्वेश्चन को नहीं समझ में आया है तो आप इसकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जो चैप्टर की वीडियो, आप उसको देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, इसका पार्ट फर्स्ट की भी वीडियो मिल जाएगी। तो अब आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है उनको